प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 फरवरी को पार्टी नेतृत्व द्वारा पूरे देश में व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में गोरखपुर में धरना प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव एवं बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्र करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्र ने कहा, आपसे तो खैर कौन नहीं जानता, नाम ही अपने आप में परिचय है। हमारी पार्टी के सदैव महासचिव जी भी हैं और सचिव जी जी की वेदनाएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, तो जो जनता के दुख दर्द हैं उनको स्वर देने के लिए और आप देश पूरा का पूरा कर्ज में डूबा जा रहा है। कर्ज से अभी एक परिवार ने आत्महत्या किया, देश पर नहीं है, रूस और सोवियत पे हुआ था तो वो बिखर गया। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जयप्रकाश जी से कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर आप स्वयं प्रकाश डालें। बस इतना आपसे आग्रह है कि जो लोग ये कहते हैं कि यह नई पार्टी नई पार्टी, दरअसल यह नई पार्टी लोहिया की विरासत की पार्टी है। सिर्फ नाम नया है, वरना हमारा इतिहास काफी व्यापक काफी पुराना। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जनता के दुख दर्द दंश दलन और चुभन को स्वर देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 6 तारीख को गोरखपुर समेत पूरे देश में व्यापक धरना प्रदर्शन करेगी। गोरखपुर में इसकी अगुवाई श्रद्धेय जयप्रकाश यादव जी करेंगे, जो सामाजिक न्याय के अग्रगण्य योद्धाओं में से एक हैं। आज देश के ऊपर 540 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ चुका है, 12.6% से कर्ज बढ़ रहा है। अभी आपने गोरखपुर में देखा कर्ज से एक व्यापार किस तरीके से आत्महत्या करने को अभिशप्त हुआ। यदि मोदी सरकार दोबारा आती है तो पूरा का पूरा देश कर्ज के जाल में फंसता हुआ नजर आएगा। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? यह 6 तारीख को है और उसके बाद तो हम लोग माई पार्टी चुनाव में उतर जाएगी।